दोस्तों, अब हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कराने वाले हैं। हालांकि अगर आपके पास आप एडवांस कोर्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बेसिक है ये, और अगर आप बेसिक की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। तो टॉपिक है एक्सपेंशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में डिफरेंस के बारे में। इसके अलावा इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, मूवमेंट इन डिमांड एंड शिफ्टिंग इन डिमांड। देखिए, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, मैं आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ करूँगा नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश करने के लिए एक पेज अलग से ले लेता हूँ। देखिए, जैसे जितने भी फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनमें से एक तो प्राइस है, दूसरा अदर देन प्राइस है। ठीक है बच्चों, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, प्राइस और अदर देन प्राइस। अब मान लीजिए कि प्राइस जो है वो घट जाए तो जो क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ जाएगी, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन या एक्सटेंशन इन डिमांड। इसी तरीके से अगर प्राइस मान लीजिए प्राइस अगर बढ़ जाता है तो जो क्वांटिटी डिमांड है वो घट जाएगी, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और इन दोनों को जोड़ दें तो इसको बोलते हैं मूवमेंट इन डिमांड। इसके बच्चों और भी नाम है, इस जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन दी क्वांटिटी ऑफ डिमांड, और इसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन दी क्वांटिटी ऑफ डिमांड, और इसको बोलते हैं चेंज इन दी क्वांटिटी ऑफ डिमांड। ये है बच्चों, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए प्राइस कांस्टेंट रहता लेकिन क्वांटिटी तो अदर फैक्टर की वजह से भी बढ़ सकती है, चाहे वो इनकम बढ़े, चाहे वो सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस, मतलब गुड्स के ओन प्राइस जो गुड्स का है वो कांस्टेंट रहे, इसको बोलते हैं बच्चों इंक्रीज इन डिमांड। और अगर प्राइस कांस्टेंट रहे लेकिन क्वांटिटी घट जाए, इसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड, और इसको बोल के बोलते हैं चेंज इन डिमांड। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपको चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड यानी कि मूवमेंट ऑफ डिमांड का डायग्राम बना के दिखा देता हूं बच्चों। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मूवमेंट ऑन डिमांड की, मूवमेंट इन डिमांड। तो सबसे पहले हमने समझा था कि किसकी वजह से होता है, प्राइस की वजह से होता है, इसका कॉज प्राइस है। दूसरा हम समझ रहे थे कि प्राइस अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड घट जाएगी, और अगर प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, है ना जी। इस केस में इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं टेबल के थ्रू बनाऊं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, तो हम ये मान के चल रहे हैं इनिशियली ए पॉइंट पर कि मान लीजिए हमारा प्राइस 100 रुपये था तो क्वांटिटी भी 100 थी, हम ये मान के चल रहे हैं। अब अगर प्राइस जो है वो 120 हो जाता है, बढ़ जाता है, तो डेफिनेटली आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो घटेगी। और अगर प्राइस जो है इसको आपका घट जाता है, 80 हो जाता है, तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डायग्राम के थ्रू इसको दिखाएं, नीचे मान लीजिए हम क्वांटिटी लिख लेते हैं, ऊपर प्राइस लिख लेते हैं, तो बच्चों हम ये कहना चाह रहे हैं बच्चों से कि जब प्राइस 100 रुपये था तो क्वांटिटी डिमांड 100 थी, 100 थी, 100 पे 100। अगर प्राइस जो है वो 80 हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांड विल राइज एंड इट विल बिकम 120,
और अगर प्राइस जो है वो 80 हो जाता है, यानी कि इसको जोड़ दें, इस कॉम्बिनेशन को जोड़ दें, तो जो कर बनेगा उसको बोलते हैं डिमांड कर। और इसमें देखिए डिमांड कर नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है और ऊपर की तरफ भी मूवमेंट कर रहा है, यानी कि इसको बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट, इसको बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट। बात मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। देखिए इसका हम ये वाला हिस्सा ले लेते हैं, सिर्फ ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा बस। यानी कि जब प्राइस 100 रुपये थी तो क्वांटिटी 100 थी, और प्राइस 120 होने पे क्वांटिटी 80 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस को में आपका जो डिमांड है वो कॉन्ट्रैक्शन हुई है। कैसे कॉन्ट्रैक्शन हुई है? जब प्राइस 100 था तो क्वांटिटी 100 थी, और जैसे ही प्राइस कितना हो गया, 120 हो गया, आपकी जो डिमांड है वो 80 हो गई। यानी कि इस केस में जो डिमांड कर्व है वो इस तरीके का बनेगा, और ये अपवर्ड मूवमेंट हो गया, इसको बोलते अपवर्ड मूवमेंट, मूवमेंट ऊपर की ओर चलन। यानी कि इसका मतलब हुआ कि इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। और अगर हम इस वाले पॉइंट को ले लें, इसको ले लें, केवल इसको ले लें, इस वाले हिस्से को, यानी कि जब प्राइस जो था इनिशियली वो 100 था, तो आप 100 गुड्स बाय कर रहे थे, और जब प्राइस आपका हो गया 80, आपने जो डिमांड है वो बढ़ाकर कर दी 120। यानी कि अगर आप इन पॉइंट को जोड़ देते हो तो ये वाला जो कर्व है वो आपका कहलाएगा डाउनवर्ड मूवमेंट। देखिए बिल्कुल यही सारी बातें आप एक बार चाहे से यहां पढ़ भी लीजिएगा, मैं आपको पढ़ा भी देता हूं। सबसे पहले मूवमेंट इन डिमांड की बात करें, इट इज कॉस्ड बाय चेंज इन प्राइस कीपिंग अदर फैक्टर रिमेन कॉन्स्टेंट, यानी कि बाकी के फैक्टर को कॉन्स्टेंट मान लिया है, केवल प्राइस को चेंज किया गया है। व्हेन द डिमांड राइजेस, ठीक है, ड्यू टू फॉल इन द प्राइस एंड डिमांड फॉल ड्यू टू राइज इन द प्राइस, इट इज कॉल्ड मूवमेंट इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। यानी कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी का घटना, और प्राइस के घटने से क्वांटिटी का बढ़ना। और इस केस में ये डाउनवर्ड भी मूवमेंट करता है और अपवर्ड भी मूवमेंट करता है। देखिए डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ और अपवर्ड मूवमेंट हुआ, ठीक है। इन दिस केस द डिमांड कर मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ऑन द सेम डिमांड कर। अगला हम बात करें, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है बच्चों को, इस जगह देख लीजिए, ये है एक्सपेंशन इन डिमांड। एक्सपेंशन इन डिमांड भी प्राइस की वजह से होता है, प्राइस गिरने की वजह से होता है, जबकि अदर फैक्टर रिमेन कॉन्स्टेंट। When the quantity demand increase due to fall in the price, it is called expansion in demand. जबकि other factor जो है वो constant रहेंगे, और इस case में जो demand curve है वो downward movement करेगा, यानी कि A से B नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो table आप देख लीजिए, 100 पे 100 है, 80 पे 120 हो गया। Contraction in demand की बात करेंगे तो same बात आ गई, यानी कि price बढ़ेगा और क्वांटिटी घटेगी, यानी कि यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है और क्वांटिटी जो है वो घट रही है। डायग्राम से भी क्लियर है बच्चों, अपवर्ड मूवमेंट करेगा। इट इज कॉस्ड टू बाय इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कि ये किसकी वजह से होता है? कमोडिटी का प्राइस बढ़ने की वजह से होता है। व्हेन द प्राइस और व्हेन द क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज विद द इंक्रीज इन प्राइस कीपिंग अदर थिंग रिमेन कॉन्स्टेंट, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। देयर इज एन अपवर्ड मूवमेंट अमंगस्ट दी सेम डिमांड कर्व, यानी कि इसकी वजह से क्या होता है? अपवर्ड मूवमेंट होता है। तो बच्चों ये है पूरा का पूरा कंसेप्ट, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला हम बात करें जिसमें शिफ्ट ऑफ डिमांड की बात है, तो सिंपल सी बात है, शिफ्ट ऑफ डिमांड इसलिए होता है क्योंकि मैं इसे छोटा कर लेता हूं आपके लिए। हाँ देखिए मैं बता देता हूं यहां पे, शिफ्ट ऑफ डिमांड इसलिए होता है क्योंकि प्राइस कॉन्स्टेंट रहता है। यानी कि इस केस में क्या होता है कि प्राइस जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। अब देखिए प्राइस जो है 100 पे 100 100 कॉन्स्टेंट है, लेकिन डिमांड घट रही है और बढ़ रही है, यानी कि सेम प्राइस पर, इट इज कॉज्ड बाय अदर देन प्राइस causes, example change in the price of substitute goods, change in the price of complementary goods, change in the income of consumer, when the price of commodity change. अब बिल्कुल सिंपल है, price commodity का same है, same price पर आप ज़्यादा खरीदोगे तो increase कहलाएगा। Diagram भी आप देख सकते हो, मैं भी बना सकता हूँ, वहाँ पर भी बना हुआ है बच्चों कि ये demand curve है, ठीक है जी। अगर मान लीजिए same price पर आप ज़्यादा quantity buy करते हो तो it will move rightward, ठीक है ना। इसके दो मतलब भी होते हैं बच्चों, ये भी कई बार लिखा जाता है इसमें कि
इस तरीके का, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एक बार एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आया था, मैं ये हटा के आपको समझा देता हूँ, एक मिनट, अब कंसेप्चुअली मिट गया। चलिए मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेते, यहाँ बता देता हूँ। देखिए कंसेप्ट आप मजबूत कीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो पढ़ाया जाता है वो ये पढ़ाया जाता है, ये हमारा डिमांड कर्व है, मान लीजिए प्राइस 100 पर, क्वांटिटी 100 है, और सेम प्राइस पर आप ज्यादा क्वांटिटी बाय कर रहे हो, तो ये कहलाएगा इंक्रीज इन डिमांड, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन एक और कंडीशन पॉसिबल है, वो ये है इंक्रीज इन डिमांड की, ये थोड़ा डिमांड कर हम दोबारा बना लेते, थोड़ा पास बना लेते, ये भी पॉसिबल है कि प्राइस जो है वो बढ़ जाए लेकिन क्वांटिटी कांस्टेंट, इसको भी इंक्रीज इन डिमांड कहेंगे। यानी कि इंक्रीज इन डिमांड तब कहलाएगा जब सेम प्राइस पर आप मोर गुड्स बाय करते हो, या हाई प्राइस पर आप सेम गुड्स बाय करते हो। तो बच्चों इसके लिए आप अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो आप इस बात को याद रखिएगा, दोनों ही कंडीशन में इंक्रीज इन डिमांड होता है। सेम प्राइस पर लिखने में हम यही लिखते हैं कि भाई पेन द प्राइस रिमेन कांस्टेंट एंड द क्वांटिटी विल राइज, इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। लेकिन अगर आप इसका पॉइंट ऑफ व्यू देखो, इस डायग्राम को देखो, तो डायग्राम में अगर प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी सेम है तो भी आपको इंक्रीज इन डिमांड कहलाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए, मैं आपको कंसेप्ट पे आ जाता हूँ, इसी तरीके से मान लीजिए हम यहाँ पे डिक्रीज दिखाया है, इसी तरीके से मान लीजिए सपोज कीजिए कि हम डिक्रीज इन डिमांड की बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये डिमांड कर रहे, यानी कि 100 रुपये प्राइस पर हम 100 क्वांटिटी बाय कर रहे हैं। अब मान लीजिए डिमांड डिक्रीज हो गई, इस तरीके का ग्राफ बन गया, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सेम क्वांटिटी अगर आप लोअर प्राइस पे बाय कर रहे हो, या सेम प्राइस पर आप कम क्वांटिटी बाय कर रहे हो, तो दोनों ही केसेस में ये डिक्रीज इन डिमांड कहलाता है। बच्चों कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, एक्सप्लेन हमेशा हम इसी तरीके से करते हैं, और उस तरीके से भी कर सकते हैं कि डिक्रीज इन डिमांड कब कहलाएगा, जब सेम प्राइस पर आप कम गुड्स खरीद रहे हो, या सेम गुड्स के लिए आप कम प्राइस दे रहे हो। लेकिन मुझे लगता है कि कंफ्यूज आप मत होइएगा, आप ग्राफ बना के आप देख लीजिएगा कौन सी कंडीशन कहां पे फिट हो रही है। तो अगर आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी है तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, कंफ्यूजिंग करेगा आपको, और इसीलिए मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। हालांकि थ्योरिकली तो हम ये लिखते हैं कि इट इज कि प्राइस का जब सेम रहता है, जब प्राइस क्या रहता है, सेम रहता है, और क्वांटिटी घट जाती है, तो इस केस को आप कहते हैं डिक्रीज डिमांड। इसमें जो करता है वो डाउनवर्ड लेफ्टवर्ड मूवमेंट करता है डिमांड का, लेफ्टवर्ड मूवमेंट कर रहा है डिमांड का। ओके बच्चों, और इस वाले केस में जो इंक्रीज इन डिमांड होती है तो वो राइटवर्ड मूवमेंट करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा हम इसको खींच नहीं रहे। बेसिकली आपको ये समझना है कि जो इंक्रीज इन डिमांड होता है, या डिक्रीज इन डिमांड होता है, या चेंज इन डिमांड होता है, वो प्राइस के अलावा अदर कॉजेज की वजह से आता है, और जो इंक्रीज इन जो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड होता है, या एक्सटेंशन इन डिमांड होता है, या चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड होता है, वो प्राइस की वजह से आता है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। हेलो दोस्तों, अब तक हम अपनी वीडियो में डिमांड के बारे में कई सारे पॉइंट हमने कवर किए हैं। इस वाली वीडियो में हम आपको स्पेसिफिकली कुछ टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में बात करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत आ जाते हैं, तो जहाँ जहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आता है वहाँ पर हम इस वीडियो को जोड़ेंगे, जहाँ सब्जेक्टिव आता है वहाँ पर इस वीडियो को हम ऐड नहीं करेंगे। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डिमांड, जिसमें से प्राइस डिमांड है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैं आपको समझा देता हूँ प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड एंड कॉस्ट डिमांड के बारे में। देखिए समझा देता हूं मैं आप बच्चों को। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड का मतलब क्या है, जो प्राइस पे डिपेंड करे डिमांड वो प्राइस डिमांड कहलाती है। और नॉर्मली ये देखा जाता है कि गुड्स जो है उसका जो प्राइस डिमांड है वो डाउनवर्ड होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा ऊंची कीमत पर कंज्यूमर जो है वो गुड्स की डिमांड को कम करेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें किसी तरीके का
कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए बच्चों आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कुछ समझ के आए हो। दूसरा इनकम डिमांड, इनकम डिमांड, तो इनकम डिमांड वो है जो इनकम पे डिपेंड करे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, नॉर्मल गुड्स है कि इसमें क्या होगा, अगर नॉर्मल गुड्स है तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा डिमांड कर्व का। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे इनकम राइज कर रही है वैसे वैसे जो क्वांटिटी डिमांड है वो राइज करेगी, और अगर गिफिन गुड्स इंफीरियर गुड्स है तो डिमांड कर्व इस तरीके का बनेगा। इसका मतलब जैसे जैसे इनकम राइज कर रही है जो क्वांटिटी डिमांड है वो डिपेंड करेगा डाउनवर्ड, यानी कि सिंपल सी बात है कि इनकम बढ़ने से जो डिमांड है वो घटेगी अगर गुड्स इन्फीरियर है तो। अगर हम बात करें बच्चों क्रॉस डिमांड की, तो क्रॉस इलास्टिसिटी आपने पढ़ाई होगा, क्रॉस डिमांड का मतलब होता है क्रॉस डिमांड जिसमें एक गुड्स का प्राइस दूसरी गुड्स की क्वांटिटी, सॉरी एक गुड्स की क्वांटिटी दूसरे गुड्स के प्राइस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए हम सब्स्टिट्यूट गुड्स ले लेते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स से केस में किस तरीके की डिमांड कर्व होगा, इस तरीके का होगा। इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ एक्स विल इफेक्टेड बाय, पॉजिटिव इफेक्टेड बाय प्राइस ऑफ वाई के, तो इस तरीके की जो डिमांड है उसको आप से बोलते हो सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड। इसी तरीके से बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स केस में क्या होगा, इस तरीके का डिमांड कर्व बनेगा। यानी कि ये क्या बता रहा है कि जो प्राइस है ऑफ वाई एंड क्वांटिटी ऑफ वाई में नेगेटिव रिलेशन, यानी कि अगर मान लीजिए पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो कार की डिमांड घटेगी, इस तरीके की बात की जा रही है। तो यही तीनों बातें बच्चों शुरुआती पॉइंट में बताई हुई है। चौथा पॉइंट है जॉइंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। देखिए जॉइंट डिमांड क्या होती है, आप एक ऐसी गुड्स की कल्पना कीजिए जिसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे अगर आपको कार चलानी है तो आपको कार के लिए टायर भी चाहिए, कार के लिए पेट्रोल भी चाहिए, कार के लिए सर्विस स्टेशन भी चाहिए, कार के लिए अच्छे रोड भी चाहिए। सिर्फ कार होने से आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच जाओगे, यानी कि इसको बोलते हैं जॉइंट डिमांड या कॉम्प्लीमेंट्री, जॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड भी बोलते हैं। जॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड का क्या मतलब हुआ कि जिसमें एक गुड्स के साथ साथ आपको कई गुड्स की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि आप अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकें। जैसे मान लीजिए आपको चाय पीने की इच्छा है, तो चाय जो है वो एक जॉइंट डिमांड है। इसका मतलब आपको चाय के साथ साथ क्या चाहिए, पानी भी चाहिए, दूध भी चाहिए, चीनी की पत्ती भी चाहिए, शुगर भी चाहिए, गैस भी चाहिए, या कोई एनर्जी जिसका जो भी सोर्स हो वो चाहिए, ताकि आप बिजली को ताप कह सकते हो, ताकि आप चाय का पी सको। तो इस तरीके की जो गुड्स हैं जिसमें एक गुड्स एक डिमांड को पूरा करने के लिए कई सारी गुड्स की आवश्यकता होती है उसको हम बोलते हैं जॉइंट डिमांड। एक और होती है बच्चों जिसको हम बोलते हैं जॉइंट डिमांड के अलावा, एक और होता है जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। देखिए जैसे जॉइंट डिमांड में क्या हो रहा था, जॉइंट डिमांड में एक गुड्स सॉरी एक नीड्स को कई सारी गुड्स मिलकर पूरा कर रही थी। कंपोजिट जो डिमांड होती है उसमें एक गुड्स कई सारी डिमांड को पूरा कर, जैसे बिजली है, बिजली से आप रेलवे में भी यूज़ कर सकते हो, फैक्ट्री में भी यूज़ कर सकते हो, हाउस में भी यूज़ कर सकते हो, एग्रीकल्चर में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मिल्क है, मिल्क से आप चाय भी बना सकते हो, मिल्क से आप मिठाई भी बना सकते हो, मिल्क से आप पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है उसको बोलते हैं हम कंपोजिट डिमांड। इसके अलावा जो कंज्यूमर गुड्स होती है और एक प्रोड्यूसर गुड्स डिमांड होती है, सिंपल सी बात है कंज्यूमर गुड्स वो होती है जो कंज्यूमर यूज़ करता है, दूध है, पनीर है, सब्जी है, आटा है, ये सब कंज्यूमर गुड्स हैं। कैपिटल गुड्स वो होती है या प्रोड्यूसर गुड्स वो होती है जो एक गुड्स के यूज़ करके दूसरे गुड्स को बनाने में काम आती हैं, तो उनको हम कैपिटल गुड्स बच्चों बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात वीडियो है बच्चों, को ज़्यादा इसमें मुश्किल आपको आएगी नहीं। डायरेक्ट एंड डेरिवेटिव डिमांड क्या होती है, डायरेक्ट डिमांड वो होती है जो किसी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाइड करती है। मुझे पानी पीने की इच्छा है, मैंने पानी पिया, मेरी वांट डायरेक्टली सेटिस्फाइड हो गई, डायरेक्ट डिमांड है। टीवी देखने की इच्छा है, टीवी देखा, डायरेक्ट डिमांड है। डेरिवेटिव डिमांड वो होती है जिसमें हम डिमांड किसी और फैक्टर की वजह से करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, हाउस बनाने के लिए लेबर भी चाहिए, ईंटें भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, लकड़ी भी चाहिए, कारपेंटर भी चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको चाहिए होंगी। तो इस तरीके का मतलब ये हुआ कि ये हमारी जो हाउस है वो यानी इन सब की जो डिमांड है वो डेरिवेटिव डिमांड है। हाउस की डिमांड तो डायरेक्ट डिमांड है, लेकिन लेबर की डिमांड, ब्रिक्स की डिमांड। अब मैं ईंट का क्या करूँगा, मुझे
ब्रिक्स की जरूरत नहीं है, मुझे इसलिए ब्रिक्स की जरूरत है ताकि मैं मकान बना सकूं। इसका मतलब मकान की डिमांड है इसलिए ब्रिक्स की डिमांड है। तो ये डेरिवेटिव डिमांड हो गई बच्चों, ठीक है। डायरेक्ट डिमांड तो आप समझ ही गए, हाउस की डिमांड डायरेक्ट डिमांड है। इसके अलावा कंपिटिटिव डिमांड का मतलब होता है जो हम, जैसे मान लीजिए मार्केट में मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ तो पॉल साइंस वाले से, हिस्ट्री वाले से मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। कंपिटिटिव डिमांड का मतलब है उन लोगों की डिमांड जो मेरी जैसी वस्तु बना रहे, तो एक तरीके से सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड है आप कह सकते हो। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट कवर किए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई एमसीक्यू क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका आंसर दे पाओगे। बच्चों इस छोटी सी वीडियो में इतना ही, थैंक यू। हम बात करने वाले हैं नेटवर्क एक्सट्रीटीज की, तो इसको हम बेसिकली बैंड वैगन इफेक्ट्स और स्नोप्स इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो बैंड वैगन इफेक्ट और स्नोप्स इफेक्ट के बारे में जो इंट्रोडक्शन दिया था वो हार्वे लेविस्टीन ने दिया था। तो जो ये लेविस्टीन है उनका एक आर्टिकल था, उसमें इसको एक पब्लिश किया गया था जिसमें उन्होंने बैंड वैगन इफेक्ट और स्नोप इफेक्ट के बारे में बताया कि लोगों का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो इन दो बातों से भी इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से डिमांड पर बैंड वैगन इफेक्ट और स्नोप इफेक्ट पड़ता है। तो मैं आपको यहां पे डायग्राम के थ्रू भी समझाने वाला हूं बच्चों। तो ये सारा का सारा टॉपिक हमने एच एल सर की बुक से लिया हुआ है, तो उस क्योंकि जैसे हम आप बच्चे जानते होंगे कि हम यूपीएससी इकोनॉमिक्स और नेट की तैयारी बच्चों को कराते हैं, तो उसी लेवल को मेंटेन करने के लिए हमने एच एल की बुक में जो लिखा हुआ है उसी के हिसाब से आप बच्चों को ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों अगर नेटवर्क एक्सट्रीटीज की अगर हम बात करें तो इसका क्या मतलब है नेटवर्क एक्सट्रीटीज का। देखिए जैसे मान लीजिए मेरा एक पड़ोसी है, उसके घर में एलजी का टीवी है, वो भी 65 इंच का, तो मुझे भी लगेगा कि मेरे पास भी 65 इंच का टीवी होना चाहिए। यानी कि इस तरीके का जो नेटवर्क बनता है, यानी कि अधिकतर लोगों को लगेगा अगर मान लीजिए सबके पास में है। जैसे पुराने जमाने में क्या हुआ करता था, पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे और किसी एक व्यक्ति ने या कुछ व्यक्तियों ने मिलकर कलर टीवी खरीद लिया, तो जिनके पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे उनको भी लगा कि उनके पास भी कलर टीवी होने चाहिए। तो इसका मतलब नेटवर्क की तरह जुड़ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नेटवर्क एक्सट्रीटीज। यानी कि मेरे द्वारा किसी गुड्स की डिमांड केवल मेरी जरूरतों पर डिपेंड नहीं करती है बल्कि किसी और पे भी डिपेंड करती है, तो नेटवर्क बन गया, एक तरीके का नेटवर्क बन गया। तो इसी को हम बोलते हैं बच्चों नेटवर्क एक्सट्रीटीज। यानी कि आमतौर पर हम मानते हैं कि मैं मैंगो खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा, मैं एप्पल खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा, या मैं मोबाइल फोन खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा, ये मेरी यूटिलिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन नेटवर्क एक्सट्रीटीज का मतलब है कि मेरे द्वारा खरीदा गया सामान केवल मेरे पे डिपेंड नहीं करता बल्कि और लोगों पे भी डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए भारत में 5G आ जाती है, तो 5G आने पर मान लीजिए दो लोगों ने अगर 5G को खरीदा तो क्या होगा, धीरे धीरे देखिए लोग और भी लोग, क्योंकि जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ेगी वैसे वैसे लोग और भी लोग उसको खरीदने की तरफ जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी के पास एक ही व्यक्ति के पास में फोन है जिस पर वो कॉल मान लीजिए वीडियो कॉल कर सकता है, बाकी के लोगों के पास वीडियो कॉल करने के लिए फोन ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं होगा उस वीडियो कॉल वाले फोन का। तो नेटवर्क एक्सट्रीटीज का मतलब है एक जैसी चीजों को सब लोग खरीदना चाहते हैं, उसके बारे में हम आगे करेंगे। तो नेगेटिव एक्सट्रीटीज का मतलब है वन इंडिविजुअल्स यूटिलिटी फॉर अ गुड्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ अदर पीपल हु कंज्यूम द कम्युनिटी। यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कंज्यूमशन की यूटिलिटी डिपेंड करता है कि बाकी के लोग उसे कंज्यूम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मेरे पास आईफोन है जिसमें मैंने ऐप है जो केवल एंड्रॉइड फोन सॉरी आईओएस में ही चलती है। मान लीजिए मेरी जैसे मेरी ऐप है तो मेरी ऐप तो एंड्रॉइड में भी चलती है और आईओएस में भी चलती है। मान लीजिए आईओएस की ऐप बनवाई, मैंने एक ऐप बनवाई जो आईओएस में चलती है, तो केवल 1% लोगों के पास आईओएस ऐप है या आईओएस है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि इस तरीके की ऐप का कोई फायदा ही नहीं होगा मेरे लिए क्योंकि लोगों तक मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों को मतलब बोलते हैं हम नेटवर्क एक्सट्रीटीज। यानी कि वन इंडिविजुअल्स यूटिलिटी फॉर अ गुड्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ अदर पर्सन हु कंज्यूम द कमोडिटी। तो दो तरीके के इफेक्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, एक तो है बैंड वैगन इफेक्ट, दूसरा है स्नोप्स इफेक्ट। इसके अलावा बच्चों हम एक और हम बात करेंगे वो है वेबलन इफेक्ट, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं बैंड वैगन इफेक्ट की। तो इसमें मतलब क्या है, इट रेफर टू द डिमांड फॉर अ गुड्स बाय अ पर्सन हु वांटेड टू बी स्टाइल बिकॉज, यानी कि इसको रखना जो है, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो फैशन स्टेटस सिंबल है जिनको रखना अच्छा माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे एंड्रॉयड फोन यूज करता हूं, अगर मान लीजिए जैसे भारत में अगर हम बात करें तो आज भी एप्पल के फोन को रखना एक स्टाइल सिंबल है, एक स्टेटस सिंबल है। तो चलिए हम एप्पल फोन से ही बात कर लेते हैं, डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे बच्चों। देखिए मान लीजिए ये हमारा एक, हम एक बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को। मान लीजिए ये हमने कार बना लिया,
मैं बिल्कुल एप्पल फोन की ही बात करेंगे, ठीक है बच्चों। सपोज फॉर एग्जांपल के लिए कि 100 ये एप्पल का डिमांड कर भाई, दिस वन इज डिमांड कर ऑफ एप्पल फोन, ठीक है। बुक में तो चार डायग्राम बना रखे, मैं आपको सिंपल बनाने के लिए केवल दो ही डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा पूरी तरीके से कि वो क्या कहना चाहता है डायग्राम में। तो मान लीजिए कि फोन का प्राइस 100 रुपीज है, आप चाहे तो 100,000 मान ले सकते हैं, 100 रुपीज मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, और केवल 100 लोग ऐसे हैं जो गुड्स को बाय कर रहे हैं, ओके जी। तो मान लीजिए ये ए हो गया, यानी कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास में ये आईफोन उपलब्ध है, एक क्लियर हो गया बात। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि इस किसी वजह से इसका जो प्राइस है, मान लीजिए प्राइस जो है अगर वो 50 हो जाए तो कितने लोग बाय करेंगे, डेफिनेटली ज्यादा लोग बाय करेंगे, और ये बाय करेंगे 200 लोग, हमने सिंपल मान लिया, बहुत सिंपल समझाने के लिए। यानी कि 100 से 100 जो है ये कहलाता है प्राइस इफेक्ट, यानी कि प्राइस गिरने से डिमांड का बढ़ना प्राइस इफेक्ट कहता है। ये तो प्राइस इफेक्ट है, इसमें कहीं पे भी हमने जो बैड वेवन इफेक्ट की बात ही नहीं आई। लेकिन होगा क्या, होगा ये कि जब प्राइस 100 से गिरकर 50 रुपए हो जाएगा, और अगर लोग उसे अपना फैशन स्टेटस सिंबल समझते हैं, अगर लोग समझते हैं कि उसको रखना उनके लिए एक तरीके से फैशन का सिंबल है, प्रेस्टीज की बात नहीं कर रहे हम, फैशन की बात कर रहे हैं, विलिंग की बात कर रहे हैं, इच्छा की बात कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि इसको रखना चाहिए क्योंकि ये तो फैशन क्रिएट करेगा, तो इससे क्या होगा बच्चों कि ये जो डिमांड कर रहा है ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा, ऐसे आगे की तरफ मूव कर जाएगा, और एक्चुअल जो डिमांड है वो इतनी ना बढ़ के बल्कि इतनी बढ़ेगी, बी पे आ जाएगी। मतलब एक्चुअल में डिमांड कितनी बढ़ी, डिमांड हो गई हमारी 300, या मान लीजिए चलो 400 रख लेते, नंबर्स में क्या है। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्राइस 100 से 50 हुआ तो डिमांड को 100 से 200 होना चाहिए था प्राइस इफेक्ट की वजह से, लेकिन प्राइस इफेक्ट की वजह से ना होके बल्कि जो टोटल इफेक्ट है वो इतनी डिमांड बढ़ गई, यानी कि ये जो इफेक्ट है ये वाला जिसे हम 200 से 400 कह रहे हैं, इसी इफेक्ट को हमने बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बैंड वैगन इफेक्ट। बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश किया बच्चों हमने, मतलब मेरा कहने का मतलब है हमें होना चाहिए था इस पॉइंट पर क्योंकि डिमांड कर रही है, लेकिन क्योंकि गुड्स फैशन में है, क्योंकि प्राइस गिरने से लोगों ने ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया, उनको देखा देखी और लोगों ने ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया, उनको देखा देखी और लोगों ने ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया, तो इनको अगर हम मिला दें, मैं एक पॉइंट से मिला देता हूं, तो ये वाला जो है ए और बी, ये हमारा मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगा, डिमांड कर्व ऑफ मार्केट। इसका मतलब ये थोड़ा सा फ्लैटर होगा, मोर इलास्टिक होगा, ये आप याद रखिएगा। तो यहां पर ये बताने की कोशिश की जा रही है, इट रेफर टू द डिमांड फॉर अ गुड्स बाय अ पर्सन हु वांटेड टू बी इन स्टाइल बिकॉज पोजीशंस ऑफ दिस गुड्स इज फैशन एंड देयरफॉर मेनी अदर हैव इट, यानी कि क्योंकि ये फैशन में आ गया है इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसे कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे, और इसकी वजह से आपको पॉजिटिव एक्सटर्निटीज देखने को मिलेगी। तो ये तो बच्चों कहलाता है बैंड वैगन इफेक्ट। बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है हमें, क्योंकि जब आप बुक में डायग्राम देखोगे तो उसमें कई सारे और भी डायग्राम बनाए हुए हैं। अगर हम बात करें बच्चों स्नोब इफेक्ट की, तो देखिए स्नोब इफेक्ट क्या होता है, स्नोब इफेक्ट रेफर टू द डिजायर टू प्रोसेस अ यूनिक कमोडिटी हैविंग प्रेस्टीज वैल्यू। देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी प्रेस्टीज वैल्यू बना के रखना चाहते हैं, कोई लोग ऐसे होंगे जैसे मान लीजिए किसी के पास में एप्पल का फोन है, ठीक है, अब S4 है मान लीजिए, या जो भी ब्रांड है एप्पल में से, तो किसी और के पास अगर वो फोन हो गया तो उनको लगता है कि उनकी जो वैल्यू है वो घट गई है। स्नोबिस अगर आप वर्ड मीनिंग देखोगे तो मतलब कई बार इसको नकचड़ा भी बोल देते हैं स्नोबिस को, ठीक है। स्नोबिस का मतलब होता है जिसमें हर जगह अपने आप को प्रायोरिटी, अपने आप को सुपीरियर दिखाने की इच्छा होती है। तो यहां पर देखिए क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, जैसे इसने पॉजिटिव एक्सटर्निटीज क्रिएट की, सेम ये नेगेटिव एक्सटर्निटीज क्रिएट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्राइस गिर जाते हैं, ठीक है, स्नोब इफेक्ट कहता है कि जब प्राइस गिर जाते हैं तो प्राइस गिरने की वजह से लोग ज्यादा खरीदेंगे, लेकिन जो स्नोबिस लोग होंगे या जिनके पास स्नोबिस इफेक्ट होगा उनको लगेगा क्योंकि ये ज्यादा लोग खरीद रहे हैं इसलिए वो ना खरीदें। बात को क्लियर कीजिएगा, यहां पर क्या हुआ था, क्योंकि ज्यादा लोग खरीद रहे हैं इसलिए फैशन में आ गया, जब फैशन में आ गया तो लोगों ने ज्यादा खरीदा, यहां पे क्या हुआ क्योंकि प्राइस गिरा इसलिए ज्यादा लोग खरीद ले इसलिए जो स्नोबिस है उसको लगेगा कि मुझे नहीं खरीदना चाहिए इसलिए वो नहीं खरीदेगा। देखिए डायग्राम के थ्रू समझाते हैं आपको पूरी बात। तो चलिए ये डिमांड कर्व बना लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा डिमांड कर्व है, जो कि मान लीजिए प्राइस 100 रुपए पर आप 100 क्वांटिटी बाय कर रहे हो, ओके जी। तो आपने क्या किया, केवल 100 क्वांटिटी को ही बाय किया। अब जैसे आपका प्राइस गिरकर 50 हो गया, 50 हो गया, अब डेफिनेटली आपका जो डिमांड है
वो कितनी बढ़नी चाहिए, वो बढ़कर होनी चाहिए 200। लेकिन हुआ क्या कि कुछ लोगों को लगा कि क्योंकि जब प्राइस 50 पर अधिकतर लोग खरीद रहे हैं तो अब वो ना खरीदें, ठीक है, क्योंकि उनका मन है कि भाई वो महंगी चीज ही खरीदें या वो ऐसी चीज खरीदें जो लोगों के पास ना हो, तो उसकी वजह से जो डिमांड कर्व है वो घटकर इस तरफ चला गया। यानी कि अगर ए पॉइंट था तो ये बी पॉइंट पर आ गए। वो इसका मतलब एक्चुअल में कितनी डिमांड बढ़नी चाहिए थी, एक्चुअल में तो बढ़नी चाहिए थी 100 से 200 प्राइस इफेक्ट की वजह से, लेकिन एक्चुअल में कितनी बढ़ी है 150 दिस वन। यानी कि कहने का क्या मतलब हुआ, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, अधिकतर लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, इसलिए जो स्नोप्स लोग हैं उन्होंने खरीदना कम कर दिया। तो इसका मतलब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो इस केस में मार्केट डिमांड जो है वो इस तरीके से बनता है। तो ये है बच्चों पूरी की पूरी थ्योरी, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यहां से 100 से ये वाला जो है 200, इसको बोलते हैं बच्चों प्राइस इफेक्ट। जो 100 से 150 हुआ इसको बोलते हैं नेट इफेक्ट। और ये वाला हिस्सा, ये वाला, इसको हम बोलते हैं स्नोब इफेक्ट। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा क्योंकि ये नेगेटिव क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब इसने डिमांड को कम कर दिया। तो ये है वजह बच्चों स्नोब इफेक्ट की, जिसके बारे में हमने आपको समझाया। इसके अलावा एक और पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना है, जिसको हम बोलते हैं बेबलन गुड्स या बेबलन इफेक्ट। देखिए बेबलन गुड्स क्या होती है, मैं आपको पहले ये भी बता देता हूं, उसके बाद ये भी बता दूंगा कि इन दोनों से कैसे अलग है। बेबलन गुड्स इज अ लग्जरी गुड्स फॉर विच द डिमांड ऑफ गुड्स इंक्रीज एज द प्राइस इंक्रीज। यानी कि ये वो लग्जरी गुड्स होती है जिनकी प्राइस जो है ज्यादा होगी तभी लोग इसे ज्यादा खरीदेंगे, और अगर प्राइस कम होगी तो इसे लोग कम खरीदेंगे। यानी कि इस केस में जो लॉ ऑफ डिमांड है वो लागू नहीं होता, जिसकी वजह से ये जो डिमांड कर्व है ये अपवर्ड होता है इसके, यानी कि ब्रेवलन गुड्स के केस में। तो बच्चों इसका मतलब ये गुड्स वो होती है जो एक तरीके से स्टेटस सिंबल होती हैं या कंस्पिशियस कंजम्पशन यानी कि प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती हैं, जैसे वो लोग होते हैं जो चाहते हैं कि उनके पास बड़ी बड़ी कारें हों जो दूसरों के पास ना हो। ठीक है, लग्जरी चीजें वो रख रहे हैं और वो तभी तक रखेंगे जब तक उनका प्राइस ज्यादा होगा, और वो नहीं खरीदेंगे अगर उनका प्राइस कम होगा। तो बेबलन गुड्स जो है वो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे बेबलन, उनके नाम पे इनको रखा गया। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चों इस तरीके की गुड्स जो होती है बेबलन गुड्स जो होती है वो स्नोब गुड्स से किस तरीके से अलग होती है। ठीक है, स्नोब गुड्स जो होती है उनका डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है, लेकिन जो बेबलन गुड्स होती है उनका जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड होता है, ये भी आप याद रखिएगा। और उस केस में क्या होता है कि जैसे ही मान लीजिए कोई गुड्स की प्राइस गिरता है, ठीक है, तो लोग नहीं खरीदते। यानी कि जो इस केस में, तो देखिए नेट इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव है। बेबलन गुड्स होती है जिनका अधिकतर यूज अमीर लोग ही कर रहे होते हैं, ठीक है, उसकी कोई आपको देखते हो इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती उसकी कोई, बस वो इसलिए यूज किया जाता है ताकि लग्जरी दिखाई जा सके। जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फिल्मों में, या फिल्मों में देखा होगा कि लोग शेर की खाल को टांग देते हैं दीवालों के ऊपर, तो उसकी कोई वैल्यू तो है नहीं। क्या वैल्यू है उसकी? कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो वो वैल्यू क्या है? केवल ये दिखाने के लिए कि हमारी प्रतिष्ठा है। तो उस गुड्स की बात अगर हम करें तो उन गुड्स का प्राइस अगर कम होगा तो लोग उसे कम मात्रा में खरीदेंगे। तो ये बच्चों बेसिकली तीनों में फर्क है, तीनों हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से सारे के सारे कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गए होंगे बच्चों। तो बच्चों अगर आप हमारी ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।